दिल्ली NCR, पटना, मुंबई और रांची में 24 जगहों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जगहों पर छापेमारी हुई है। ईडी ने उनके बेटे बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की है। छापेमारी के एक दिन बाद जमीन के बदले रेलवे की नौकरी की जांच में ईडी ने दावा किया है कि उसने 600 करोड़ रुपए के अपराध की आय का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। एजेंसी के अनुसार दस्तावेज 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के स्वामित्व और विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से किए गए 250 करोड़ रुपए के लेन देन से संबंधित है। आपको बता दें कि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छापेमारी की है, जो कि UPA सरकार के तहत रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने से संबंधित है। रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की नौकरी देने वाले लोगों से जमीन की जबरन वसूली का मामला सामने आया है। ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि कई रेलवे जोन में भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से 50% से ज्यादा लालू प्रसाद के परिवार के निर्वाचन क्षेत्रों में से थे। एजेंसी का दावा है कि कथित रूप से गरीब माता पिता से रिश्वत के रूप में ली गई जमीन को बाद में बड़े प्रीमियम पर बेच दिया गया, जिसमें अर्जित धन मुख्य रूप से तेजस्वी के खातों में जा रहा था। वहीं ईडी जिन संपत्तियों की जांच कर रहा है उनमें नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला D1088 शामिल है। करीब 150 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस बंगले को महज 4 लाख रुपए में खरीद लिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति तेजस्वी के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी AB एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। ईडी ने कहा है कि तलाशी के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव इस घर में ठहरे पाए गए थे। ईडी के दावों के अनुसार तेजस्वी जमीन के बदले नौकरी घोटालों के प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरे हैं। कुल मिलाकर ईडी ने जो अपराध की आय के दस्तावेज जब्त किए हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी कभी भी जेल जा सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो अपराध की आय के लिए जेल जाना सुनिश्चित होता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने कानूनी सलाहकारों से लगातार संपर्क में है। तेजस्वी यादव ने इसी के लिए CBI की ओर से जारी समन को दोबारा अन्य तारीख पर भेजने का आग्रह किया है। जानकारों का मानना है कि अपराध की आय का खुलासा होने के बाद लालू परिवार बुरी तरह फंस गया है और अब इस पूरी कवायद से निकलने में काफी देर होगी। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज लालू परिवार की मुसीबत को बढ़ा देंगे। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें JBT Live के साथ।